जय हिंद दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने इस वीक से वर्कआउट की वीडियो डालना स्टार्ट किया है, जैसे हमारा सोमवार का वर्कआउट था कि टेस्ट लिया था हमने बच्चों के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मंगलवार का वर्कआउट करवाया था और वो वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड की थी। तो आज बुधवार है, तो आज मैं आपको बुधवार का वर्कआउट बताता हूँ। सबसे पहले ये वर्कआउट किन बच्चों के लिए है, ये वर्कआउट उनके लिए है जो बच्चा CPO की तैयारी कर रहा है या बिहार SI की तैयारी कर रहा है या फिर DSSB जेल वार्डन की तैयारी कर रहा है, तो ये बच्चे इस वर्कआउट को कर सकते हैं और इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो बच्चा फिजिकल की तैयारी कर रहा है, जो CPO BRSI या दरोगा के लिए, तो उनसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपको वर्कआउट कैसा लग रहा है और आप चाहते हो कि ये डेली का रूटीन ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि कई बच्चे मेरे पास वर्कआउट मांगते, सर एक हफ्ते का वर्कआउट बना के डाल दो, या फिर आपको एक हफ्ते का वर्कआउट चाहिए या फिर कंटिन्यू ये डेली जो हम वर्कआउट करवाते हैं उसकी वीडियो चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आज का वर्कआउट क्या रहेगा। जैसे कि सबसे पहले इन बच्चों ने आके सबसे पहले स्लो स्लो 4 राउंड जॉगिंग की, उसके बाद ये आप देख सकते हो पीछे भी फुल बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज होती है, इसमें सभी एक्सरसाइज आ जाती है, जैसे हाथ पैर कमर वगैरह जो भी है इसमें। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, जब आप वर्कआउट करते हो तो उसमें अपना बेस्ट एफर्ट लगा सकते हो। और इन एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, बाकी आप ऊपर से क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हो। जो जो एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज आपको करनी है, उसके बाद आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्कआउट। हाथ टच कर रहे हो तो दूसरा हाथ ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऊपर उठना नहीं है, ये हो तो यहाँ की यहाँ टच करना है। ये रेडी स्टार्ट, थोड़ा स्पीड बढ़ाया करो, टर्न किया करो, शाबाश। शाबाश शाबाश, सुबह में ऊपर नहीं उठते। दोस्तों आज का इनका वर्कआउट रहेगा 800 मीटर की रेपिटेशन लगाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये वर्कआउट उन्हीं बच्चों को करना है जिनको कम से कम 10 दिन हो गए हो रनिंग करते हुए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ग्राउंड पे जा रहे हैं, जाते ही उन्होंने ये वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। जो बच्चे बिल्कुल बिगनर है, जिन्होंने स्टार्ट किया है रनिंग, तो उनके लिए वर्कआउट रहेगा एक हफ्ते तक, उनको नॉर्मल धीरे धीरे स्लो रनिंग ही करनी है। वो रनिंग उनको कितनी डिस्टेंस तक करनी है, कम से कम स्टार्ट करनी, जैसे आज उन्होंने 2 राउंड लगाए, फिर कल उनको 4 राउंड लगाने, तो कोशिश करनी है एक हफ्ते के अंदर वो 3-4 किलोमीटर रनिंग करने लग जाए, उसके बाद फिर ये वर्कआउट फॉलो कर सकते हो। और आज का वर्कआउट हमारा रहेगा 800 मीटर की रेपिटेशन। 800 मीटर लड़कों को लगवाएंगे हम 3 ही रेपिटेशन लगवाएंगे और लड़कियों को लगवाएंगे हम 2 रेपिटेशन। वर्कआउट ज़्यादा इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी वर्कआउट, ये बच्चे नए हैं, 10-15 दिन ही हुए हैं, तो इनका वर्कआउट एकदम से बढ़ाएंगे तो इंजरी आने के चांस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ें इनके फिजिकल में भी काफ़ी टाइम है, तो इनको उसी हिसाब से वर्कआउट कराएंगे ताकि इनका इम्प्रूवमेंट जल्दी आए। अगर एकदम से ज़्यादा वर्कआउट करवाते तो इंजरी आती है और बच्चे फिर 2 दिन आते हैं, फिर 3 दिन की छुट्टी कर लेते, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप ग्राउंड में जाने लग जाओ तो आपको चाहे वर्कआउट कम करो बट रेगुलर जाना है, वर्कआउट कम करके वापस आ जाना है। ये नहीं है कि थोड़ा सा पेन हुआ तो छुट्टी कर लिए, ऐसे कर लिए। तो आज का वर्कआउट रहेगा हमारा 800 मीटर की रेपिटेशन। तो स्टार्ट करते हैं, जो बच्चे 5 किलोमीटर की तैयारी करने वाले हैं तो उनको हम अलग से कराएंगे, उनके हम 6 राउंड की रेपिटेशन लगवाएंगे। ये 5 किलोमीटर वाले साइड हो जाओ, 4800 मीटर वाले साइड निकलो, साइड निकलो, 4800 मीटर वाले इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अब इधर ध्यान दो, तुम लगाओगे 800, ठीक है, 800 मीटर इनके पीछे खड़े हो, कंटिन्यू 6 राउंड, ठीक है, कंटिन्यू, थोड़ा सा अंदर पेस, 2 मिनट की, 2 मिनट पे 1 राउंड लगाना है। ये 2 राउंड लगा के रुकेंगे, तुम्हें रुकना नहीं है, आप नए हो ना, आप बाहर निकल जाओ साइड में। आप स्लो स्लो स्टार्ट करो, 10 राउंड, 8 से 10 राउंड करने करने, स्लो स्लो बिल्कुल, ठीक है, चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, आप स्टार्ट कर दो, पहले जाओ। और कोई नया बच्चा है? स्लो स्लो 8 से 10 राउंड, ठीक है, स्लो स्लो चलो। और कोई नया बच्चा नहीं है ना कोई? रेडी लॉन्ग 8 से 10 राउंड, चल 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 चल,
दो राउंड टाइमिंग डीएसएसबी वाले 3 मिनट की पेस रखेंगे, 3 मिनट 2:50 से 3 मिनट के बीच में, ठीक है। और ये बिहार दरोगा और सीपीओ, इनका टाइम मैक्सिमम 3:10 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। रेडी तुम्हें 6 राउंड कंटिन्यू लगाने हैं। बस है कोई नहीं है ना, पंचन स्लो कर, स्लो स्लो कर, 6 राउंड ठीक है, 2 राउंड लगाओगे, तुम्हारी 2 ही है रेपिटेशन, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। टाइमिंग 4:00 से लेके 4:10 तक कोशिश करना, ठीक है। रेडी गो, लड़कियों की 800 मीटर की है रेपिटेशन, इनको जो 800 मीटर की ही तैयारी करनी है, तो इनकी रेपिटेशन भी आज हमने 800 मीटर की लगवाई है, बट इनको ज़्यादा नहीं लगवाएंगे, 2 रेपिटेशन ही लगवाएंगे। चेंज करोगे पैर, स्ट्रेट ही उठाओगे, एक बार लेफ्ट पैर ऊपर, एक बार राइट पैर ऊपर, एक बार लेफ्ट पैर ऊपर, एक बार राइट पैर ऊपर, चलो 10 एक्सरसाइज करनी है, 30 टाइम करोगे, पैर नीचे कर ज्योति, पैर नीचे कर थोड़े, चलो 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 कंटिन्यू। और जो मैट नहीं लेके आया कल से मैट लेके आएगा, पैर स्ट्रेट, घुटना बैंड नहीं होना चाहिए। चेंज करोगे नी बैंड करो, नी बैंड करो, साइड में एंगल टच करोगे 30 टाइम्स, एंगल टच करो, एक हाथ से ये 30 टाइम काउंट करके, दस बार कम से कम, फोर फाइव सिक्स सेवन, आचल नीचे, एट। दोस्तों ये था आज का हमारा वर्कआउट, जिसमें हमने आज 800 मीटर की रेपिटेशन लगाई। सबसे पहले हमने आके 4 राउंड जॉगिंग की, उसके बाद फुल बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज की, उसके बाद हमारा वर्कआउट स्टार्ट हुआ। वर्कआउट में रही हमारी 800 मीटर की रेपिटेशन, 800 मीटर की 3 लड़कों को लगाई रेपिटेशन, और जो बच्चे 5 किलोमीटर की कर रहे थे उनको 6 राउंड की 2 रेपिटेशन लगाई। उसके बाद लड़कियों को 800 मीटर की ही रेपिटेशन लगाई, लड़कियों को केवल 2 रेपिटेशन लगाई। उसके बाद जिन बच्चों की हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं आ रही थी उनको लॉन्ग जंप हाई जंप करवाई, जिनकी क्लियर है वो बच्चा केवल एक जंप करके छोड़ दे, ये नहीं है कि बार बार जंप करना है, केवल एक बार जंप करे। और जिनकी क्लियर नहीं हो रही है उनको सिर्फ ज़्यादा नहीं करना है, 3 से 6 चांस लेने हैं, इससे ज़्यादा चांस नहीं लेने हैं। और अगली बार जब भी जंप करें उतनी ही हाइट से स्टार्ट करें, जैसे आज आपने 3 लड़की ने 3:08 तक किया है, तो अगली बार स्टार्ट करें तो 3:08 से ही स्टार्ट करें, क्योंकि
जब हम एक ही हाइट पे बार बार करते हैं तो बॉडी थक जाती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद इनकी कोर एक्सरसाइज रही, 10 कोर एक्सरसाइज करवाई, उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करवाई, और आज का वर्कआउट यहीं पर हमने ख़त्म किया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जितनी भी वीडियो डालते रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।